न्यूज़ चैनल में सभी सामाई नाजरीन और सभी प्यारे दर्शकों का बुलंदशहर की सजमी से प्यार भरा जाहिद अली खान का आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। प्यारे व्यूअर्स, आज हम बुलंदशहर सिटी के अंदर जो ये डीएम कॉलोनी है और ये सामने चार यार है, डीएम कॉलोनी पे एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है अभी हाल फिलहाल में, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बुलंदशहर वासियों के लिए एक गर्व की बात है और एक नया प्रोजेक्ट इस तरीके से कि जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट का नाम है सीएनसी राउटर, लेज़र राउटर, जिसके अंदर इस फर्म का नाम है डी क्रिएशन। सामने यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने नए मकान बनते हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जो उनको ज़रूरतें होती हैं, बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल अपने आप में इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, जाली की और अपने विंडो डिज़ाइन की, वो यहाँ पर इस मशीन की मदद से ये जितने भी इनके क्लाइंट्स होते हैं या जिनकी डिमांड्स होती हैं वैसे ही ये उनको प्रोवाइड करते हैं। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं डी क्रिएशन में, जो कि मोहम्मद दानिश भाई हैं हमारे और बुलंदशहर के यहाँ पर। तो दानिश भाई, हमारे बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है और हम आपको मुबारकबाद देते हैं। बुलंदशहर ज़िले में और सिटी में आपने एक नया तोहफा दिया है इंटीरियर डिज़ाइन की डिज़ाइनिंग के लिए, आपने डी क्रिएशन से ये फर्म यहाँ पे लॉन्च की और यहाँ पर आप जो है एक नया प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें कि आप इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ जितनी ज़रूरतें होती हैं उनको बहुत ही शानदार, बेमिसाल, लाजवाब तरीके से डिज़ाइन करके उनकी जाली, उनकी विंडो या उनके शोरूम के लिए या हॉस्पिटल रिजोर्ट्स के लिए जो उनकी ज़रूरतें होती हैं अपनी मशीन के द्वारा और अपना जो आपको टैलेंट है उसके ज़रिए आप पूरी करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है ज़रा हमारे प्यारे व्यूअर्स को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ प्लीज़। हाँ ये हमारे सबके हरदिल अजीज़ रियाजुल भाई हैं। रियाजुल भाई, बेखौफ आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है और दोनों का, आप सभी का ये आपने लॉन्च किया, ये अपने आप में हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। रियाजुल भाई और दानिश भाई के बुलंदशहर सिटी वालों के लिए अब उनको दिल्ली या एनसीआर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उनको अपने रिजॉर्ट के लिए, अपने मकान के लिए, अपने हवेली के लिए और अपने हॉस्पिटल्स के लिए, अपने शोरूम के लिए जो भी उनको अच्छे डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है, मेटल वर्क के अंदर जो उनको डिज़ाइन चाहिए वो यहाँ पर इस सीएनसी राउटर लेज़र मशीन के द्वारा करते हैं और अपने टैलेंट से। जी दानिश भाई, ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए। जी हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। जी, और हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटीरियर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनमें हम डेकोरेशन का काम करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये सैंपल है, ये हमारा एक डोर का सैंपल है। इस डोर का सैंपल है, हम इसको किसी भी दरवाजे पे हम इसको एनग्रेव या 2D इसको हम कर सकते हैं और इससे इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हम लोग बना सकते हैं। और ये कुछ जो पैटर्न्स हैं ये हमारे इंटीरियर पर्पज़ के लिए, जैसे हमारे पार्टीशंस होते हैं और या छत में सीलिंग होती है या मंदिर वगैरह बनते हैं, तो इन सब में हमारा ये जो वर्क है हमारा, ये इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग इनको इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एलिवेशन पे बाहर पे एक दो अपनी साज सज्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसमें अलग अलग तरह के मटेरियल होते हैं, सारे मटेरियल्स पे हम लोग यहाँ जितने भी एक्सटीरियर से रिलेटेड और इंटीरियर से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हम उन पर काम करवा सकते हैं। और सर, बाकी जिसमें हमारा 3D वर्क भी हो सकता है और 2D वर्क भी हो सकता है और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो हम इससे रिलेटेड कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, तो दानिश भाई, इसमें हमारे व्यूअर्स को ये और बताइए, अभी आपने ये सारी चीज़ें बताई, शीशे को छोड़कर, गिलास को छोड़कर जितने मेटल होते हैं उस मेटल पे उनकी जो भी अगर क्लाइंट चाहता है अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको जैसा वो डिज़ाइन चाहता है अपने घर के लिए, रिजॉर्ट के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, शोरूम के लिए वैसे प्रोवाइड कर देते हैं। जी सर। सर, मेटल पे हम थोड़ा लिखाई कर सकते हैं बट पूरी तरीके से कटिंग नहीं है, बट हम इस पर थोड़ा सा लिखाई कर सकते हैं, मेटल पे लिख सकते हैं। और बाकी जितने भी वर्क हैं फाइबर पे, HPL पे, HDHMR पे, WPC पे, बैकेलाइट पे और आपका बाइसन बोर्ड पे, एक्रेलिक शीट्स पे, जितने भी सारे मैंने मटेरियल्स आपको बताए हैं इन पे और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। अभी एक नया मटेरियल है वॉइलो, जिसपे इस टाइम पे हमारे यहाँ कटिंग चल रही है। वो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कील तक नहीं जाती, बट उस पर भी हमारी मशीन कटिंग कर रही है।
अच्छा, वुडन में क्या क्या आपके यहाँ पे प्यारे वर्स ये, और आपकी तरफ से मैं चाहूँगा कि दानिश भाई हम सबके लिए बताएं कि जो वुडन वर्क होता है, कारपेंटर जो डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो तो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई, इस मशीन के सामने वो कहीं नहीं टिकती। हालांकि वो एंटीक होती है, हैंडमेड होती है, लेकिन इस मशीन का जो इसकी सफाई और इसकी जो फिनिशिंग होती है प्यारे व्यूअर्स, वो अपने अपने बड़े बेमिसाल और लाजवाब होती है, ब्यूटीफुल। तो वुडन के अंदर क्या क्या आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं डिमांड अकॉर्डिंगली? सर, वुडन के अंदर किसी भी टाइप की लकड़ी हो, सागौन हो, पाइन हो, या हमारा बोर्ड आता है जैसे SDHMR बोर्ड है या MDF बोर्ड है, किसी भी तरह का हमारा बोर्ड हो, हम उसमें 3D वर्क या 2D वर्क दोनों कर सकते हैं। अक्सर हम लोग इसमें सागौन में दिले वगैरह बनते हैं, गेट्स बनते हैं, डिज़ाइनदार गेट्स बनते हैं, वो सब हम लोग दरवाजे डोर्स, हाँ डोर्स वगैरह सब कुछ। अच्छा। सब कुछ, जितने भी दरवाजे डोर्स होते हैं हमारे, मेन डोर हो या इंटीरियर का डोर हो, सारे डोर्स पे हम लोग काम कर सकते हैं। फ्लश डोर पर भी हम काम कर सकते हैं, और जो मेन गेट्स होते हैं उन पे HPL वगैरह पे भी हम वर्क कर सकते हैं। तो ये मशीन हमारी इन सब वर्क पे काम करती है। प्यारे वर्स, देखिए दानिश भाई ने हम सबके लिए विशेष रूप से आप लोगों के लिए बताया, जिनके अभी जो लोग मकान बनवा रहे हैं या उनके यहाँ पे काम है शोरूम्स के अंदर, मकान में इंटीरियर डेकोरेशन के तौर पर वुडन का काम चाहते हैं, जैसा डिज़ाइन चाहते हैं या कुछ मेटल्स पे, तो वो यहाँ पर इनसे रابطہ कायम कर सकते हैं। डी क्रिएशन DM कॉलोनी 4R के ये बिल्कुल बाजू में है, करीब में है, और अपने आप में बेमिसाल यहाँ पर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। बुलंदशहर का पहला ये एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसके लिए बुलंदशहर वासियों को हमें दिल्ली जाना होता था या मेरठ जाना होता था या गाज़ियाबाद। ये भी बड़ी इनका तपस्या, इनका योगदान बुलंदशहर की सरजमी के लिए, बुलंदशहर वासियों के लिए, अपने आप में हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। और रियाजुल भाई, तो दानिश भाई क्या व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? और फिर सर मैं आपको पैगाम दीजिए। सर आपको कहना नहीं, मैं दिखाना चाहूँगा। कुछ वर्क हैं जो हमारे हमने किए हुए हैं। आइए आइए दिखाइए। ठीक है जी। हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी, ये हमारा ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें अपने सैंपल्स के तौर पे बनाई गई हैं। ये हमारे MDF में, ये हमारा एक ये वाला रेड वाला बोर्ड आता है, ये MDF बोर्ड है, और ये हमारा MDF पे विद डिको हुआ हुआ है। ये हमारी एक्रेलिक शीट में है, ये काम हमने जो किया है ये ACP शीट्स में काम किया हुआ है। दूसरी ये चीज़ एक अरबिक कैलीग्राफी है जो हमने इस चीज़ पर की हुई है। ठीक, ये वाला, ये हमारा लैमिनेटेड बोर्ड है, लैमिनेटेड बोर्ड पे हमने कटिंग करके, इसमें डीको करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लैमिनेटेड बोर्ड को हम ऐसे ही कहीं भी किसी भी डेकोरेटिव जगह पे हम लगा सकते हैं। सेकेंडरी चीज़, जब हम इस पे आते हैं तो ये एक हमारा एनग्रेविंग का प्रोसेस है, इसके अंदर एक हमने बहुत ही बेहतरीन जो नायाब लोगो होता है हार्ले डेविडसन का, उस चीज़ को हमने यहाँ पे बनाया है। ये हमारा इंटीरियर के छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, जैसे होम हो गया, स्माइल हो गया, हेलो हो गया, डेकोरेशन हो गया, किसी भी चीज़ को हम इसमें लिखवा सकते हैं और अपने घर की साज सज्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पर आते हैं तो ये भी एक अरबिक कैलीग्राफी है, बट इसमें हमने पेंट का वर्क किया हुआ है। ये हमारा एक 3D पैटर्न है, जिसके अंदर हमने, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें 3D वर्क हमने कर रखा है। जब हम इधर आते हैं तो हमारे ऑफिस के अंदर कुछ और हमारे नायाब हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे लगा रखे हैं। ठीक है, कुछ बाइक्स हैं, आइए प्लीज विजुअल दिखाते जाइए जी। कुछ ये बाइक्स वगैरह हैं, ये हमारे कुछ इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये हम वॉल्स वगैरह पे इस तरह का कुछ काम करा सकते हैं। कुछ ये जो वॉल्स वगैरह पे हम ये काम करा सकते हैं, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारी मशीन के द्वारा बनाए गए हैं। ये एम्फिल टावर आप देख रहे होंगे कि ये हमारा एम्फिल टावर है जो हमारी मशीन के द्वारा बनेगा। ये अभी रफ है, इसको हम फिनिशिंग कर सकते हैं जब हम इसको डिको कर सकते हैं। ये कलमा माशाल्लाह हमारा कलमा लिखा हुआ है, और ये हमारा डेकोरेटिव आइटम ये चीज़ लगी हुई है, और ये चीज़ हम शादी ब्याह में किसी को अगर गिफ्ट करना चाहते हैं तो हम उसके तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से हम इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, देखिए अपने आप में बड़ा यूनिक डिज़ाइन है इनका, क्रिएटिविटी है, और कहीं ना कहीं डी क्रिएशन अपने आप में वाकई में हम लोगों को, बुलंदशहर वासियों को एक बुलंदी के जो शौकीन हैं अपने डेकोरेशन कराना या उसके शौकीन हैं बहुत ही ज़्यादा अप टू डेट रहना, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर बुलंदशहर की सरजमी से। कि देखिए कितने विजुअल्स में दानिश भाई ने और रियाजुल भाई ने हक अदा कर दिया है कि बुलंदशहर वासियों के लिए बड़ी बहुत ही मुनासिब
कीमत पर बहुत उम्दा चीज़ जिसके लिए बुलंदशहर वासियों को दिल्ली जाना होता था अपने आप में। तो अभी जो दानिश भाई ने कहा, शादी या हमारी जो तकरीबात होती हैं या हम प्रेजेंट करते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली भी ये हमको प्रोवाइड करा सकते हैं। एक ये नया सिस्टम इन्होंने दे दिया बुलंदशहर वासियों। जी दानिश भाई, गो अहेड प्लीज़। जी सर, थैंक यू सर। अगर कुछ आप छत देखना चाहते हैं तो सीलिंग पे भी हम इस तरह का कुछ वर्क अपना करा सकते हैं। फोकस ले लीजिए, ठीक विजुअल दिखा दीजिए प्लीज़। ये हम पूरी सीलिंग का काम हम करा सकते हैं। ये विंडो आल्सो दिस वन, और ये हमारा पार्टीशन है। आसिफ अंदर आओ। ये प्लीज़, ये हमारा पार्टीशन है। हम कहीं भी अपना किचन के पार्टीशंस होते हैं या ड्राइंग रूम या लॉबी के पार्टीशंस होते हैं, हम कुछ पार्टीशंस को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने साइड की तरफ। तो ये हमारा वर्किंग स्टेशन है जिसमें हमने कुछ आइटम्स लगाए हुए हैं। हम डोर्स वगैरह पे हम हेलो वेलकम वगैरह या कोई मोनोग्राम वगैरह जितने भी हो सकते हैं हम उनसे बना सकते हैं। जैसे ये सुपरमैन का, बैटमैन का, सुपरमैन प्लस बैटमैन का हमारा ये मोनोग्राम बना हुआ है। आगे चलते हैं हम। अब आपको एक झलकी जो है, अब हम मशीन की दिखाते हैं कि हम किस तरह से वर्किंग करते हैं। जी, अभी हमारे कुछ जो प्रोडक्ट है वो कटिंग के लिए लगा हुआ है, बट ये कटिंग हो चुकी है। अब हमें दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो प्रोडक्ट है, हम उसे उस पर हमें लगाना है। उसके लिए हमें देखिए व्यूअर्स, ये CNC रूटर, लेज़र रूटर मशीन है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से ये ऑपरेट की जाती है। इसी से ये क्रिएटिविटी और ये क्रिएशन का काम होता है। यहाँ पर जितने भी जो भी क्लाइंट की उनकी डिमांड्स होती हैं, वैसे ही ये बिल्कुल कंप्यूटराइज वैसा डिज़ाइन तैयार करके उनको प्रोवाइड करते हैं। और ये वही मशीन है जो कि बुलंदशहर में पहला प्रोजेक्ट है अपने आप में। हमारे लिए वाकई में काबिले तारीफ और बाइस फ़ख्र की बात है। जी बताएं इसके फंक्शन के बारे में भी। और जी सर, अब हमारी जो मशीन है वो अब स्टार्ट हो चुकी है, उसमें अब ये कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये मशीन अब जो जिस तरह की हमने इसे कमांड दी है वो उस कमांड पे हमारे काम कर रही है। ये कुछ इस तरह का जो प्रोजेक्ट है हमारा, कटिंग के बाद ऐसी चीज़ निकल के आती है। ठीक है, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है आजकल जो चल रही है वो है कोरियन के टेंपल्स, मंदिर। मंदिर को कोरियन यहाँ रखा हुआ है। ये कुछ आइटम है, ये चीज़ जो है हमारा किसी भी गेट वगैरह पे हम ये चीज़ बना सकते हैं। कोई बड़ा गेट हो हमारा 6x6 का, तो हम इस चीज़ को उस पर लगा सकते हैं और जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। प्यारे वर्ड्स, देखिए अपने आप में सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। मशीन को बंद कर दें दानिश भाई प्लीज़। दानिश भाई का जो टैलेंट है और कहीं ना कहीं बुलंदशहर की सरजमी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, रियाजुल भाई का ख़ास तौर से, दोनों भाइयों का लगातार यहाँ पर सेवा में समर्पित हैं। जितने भी हमारे नए नए मकान बुलंदशहर सिटी में या गांव देहात में बन रहे हैं, बहुत ही कॉस्टली उनको विंडो के डिज़ाइन ख़रीदने पड़ते थे या बनवाने पड़ते थे। उसके लिए ये सारा इनका देखिए ऑफिस में इन्होंने डिस्प्ले में विजुअल्स दिखाए। और दानिश भाई, रही बात उसकी, तो मैं अपने चैनल और अपने व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपने ये बुलंदशहर वासियों के लिए बहुत आसानी और बहुत ही आपके जज्बे को सलाम, तहे दिल से सैल्यूट रियाजुल भाई। आपकी मोहब्बत और आपके प्रेम इसने और आपने बुलंदशहर वासियों के लिए उनके कदमों में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, बुलंदशहर वासियों को दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्यारे व्यूअर्स, प्लीज़ मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ, पर्सनली भी दानिश भाई और रियाजुल भाई को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बल्कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं दोनों, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी से यहाँ पे और मेरी ज़िम्मेदारी बन जाती है, बेखौफ होकर बेबाकी से जब भी आप इनसे अपने मकान के लिए, शोरूम के लिए या अपने इंडस्ट्री या अपने किसी फर्म के ऑफिस के लिए आप अगर बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग चाहते हैं तो आप बिना झिझक विदाउट एनी हेजिटेशन यहाँ आ सकते हैं और यहाँ इनसे एडवाइस ले सकते हैं और एज़ पर योर डिमांड आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं। अपने टैलेंट और इस मशीन की बदौलत ये आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हैं और बुलंदशहर वालों के दिलों में राज कर रहे हैं यहाँ पे जब से इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूँ कि आप इनको ज़रूर सेवा का मौका देंगे और
कहीं ना कहीं दानिश भाई, रियाजुल भाई, आपको दोबारा से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने वाकई में बुलंदशहर वालों के लिए एक बहुत ही फ़ख्र करने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब बुलंदशहर वासियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं हर इंसान आज की ज़िंदगी में, चाहे वो किसान परिवार से हो, मध्यम परिवार से हो, या ज़मींदार परिवार से हो, या टॉप क्रीमी लेयर परिवार से हो, सभी खूबसूरती को सराहते हैं और कोशिश करते हैं हमारे मकान और हमारे शोरूम, हमारी दुकान, जहाँ भी हमें ज़रूरत है, हम अच्छे खूबसूरत डिज़ाइन के लिए वहाँ पर अपना चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए यहाँ पर इन्होंने इस छत के नीचे लाकर ये एक प्रोजेक्ट हमारे कदमों में पेश कर दिया है और जिसका हम बुलंदशहरवासी उसका बखूबी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बताएं दानिश भाई, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। मैं इस बुलंदशहर में जब आया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट जब मैं यहाँ आया मैंने रियाजुल भाई से बात करी और रियाजुल भाई ने मुझे हिम्मत दी और मैंने यहाँ पर आके अपना इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और आज जो भी हैं, जो भी मैं कर पा रहा हूँ वो रियाजुल भाई की वजह है। रियाजुल भाई ने मुझे ये दुकान, सारी चीज़ें, मुझे ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं और आज मैं जो बुलंदशहर को दे पा रहा हूँ, आज उसके जो जितना भी श्रेय जाता है वो हमारे रियाजुल भाई को जाता है। हमारे रियाजुल भाई ने जितना मेरे लिए किया है शायद ही कोई मेरे लिए कर पाए, लेकिन मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाह दानिश भाई, भाई आपके इस जज्बे को भी सलाम और आपकी इस कुर्बानी को भी तहे दिल से सैल्यूट रियाजुल भाई, कि दानिश भाई को आप सगे भाई की तरह हर तरीके से आप इनका कोऑर्डिनेशन और आप इनका कोऑपरेशन कर रहे हैं हर लिहाज से। तो आखिरी मैं क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, सभी दर्शकों को, आप पूरी दुनिया में बुलंदशहरवासी हिंदुस्तानी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं प्लीज़ आप? ये दानिश भाई का बड़कपन है जो इतनी मुझे इज्जत दी, लेकिन मेहनत, इन्होंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है जब यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे। और अपने व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे रियाजुल भाई, रिक्वेस्ट वो भी ज़रा कह दीजिए बेवकूफ़ होकर, सेवा का मौका दें एक बार। और दानिश जी, जी और दानिश भाई प्लीज़ आप भी लास्ट में कह दीजिए। जी सर, मेरे बुलंदशहर वासियों से यही गुजारिश है कि आप जब भी कोई इंटीरियर का काम कराएं या कोई भी आप काम कराते हैं तो आप बेझिझक हमारे यहाँ आ सकते हैं और जो भी कंसल्टेंसी हो सकती है या जो भी हम बेटरमेंट के लिए, आपके घर के लिए, आपके रेस्टोरेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगर हम कोई भी चीज़ बेटरमेंट के लिए हम कर सकते हैं तो हम आपके लिए वो करेंगे और उसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे व्यूअर्स, अपने चैनल और आपकी तरफ से मैं आपको कोटि कोटि बधाई देता हूँ, आपके जज्बे को सलाम, आपके जज्बे और आपके कुर्बानी को सैल्यूट। तो प्यारे व्यूअर्स, फिर मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ में, एक नई चीज़ के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं, आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई और रियाजुल भाई, रिव्यू के लिए फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँगा और फिर मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।